अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम ऑटम 2022 क्वेश्चन नंबर 8 आईकेप के पास पेपर्स का डिस्कस करेंगे। और ये CAF 3 CMA का पास पेपर है जिसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के टॉपिक को डिस्कस किया जा रहा है। तो सवाल को रीड करते हैं। सवाल में लिखा हुआ है, नेपट्यून लिमिटेड NL इज एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट लूनर वन एंड यूजेज स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम। दो सिस्टम्स होते हैं, एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल। आप लोगों को आई होप कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता होगा। एनएल इज टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 6250 यूनिट्स पर मंथ। तो जो टोटल कैपेसिटी है वो 6250 है। वेयर इज इट ऑपरेट्स एट अ नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 80%। जो नॉर्मल कैपेसिटी है यानी कि आम हालात में ये 80% पर ऑपरेट करता है। ये तो 100% है टोटल, 80% मेरी आम हालात में ऑपरेट करता है यानी कि कंपनी 6250 नहीं बल्कि 6250 का 80% यानी कि 5000 यूनिट्स बनाया करती है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू द मंथ ऑफ अगस्त 2022 स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड पर यूनिट। अब हमें कुछ स्टैंडर्ड डिटेल्स देनी है। स्टैंडर्ड डिटेल्स में हमें डायरेक्ट मटेरियल के बारे में बताया था कि 8 kg 1 यूनिट पर यूज़ होगा, 30 रुपये का 1 kg आया करेगा और इसीलिए कंपनी के हिसाब से टोटल खर्चा 240 होगा। फिर डायरेक्ट मटेरियल है और सॉरी डायरेक्ट लेबर है, 6 घंटे 25 रुपये फी घंटा और इसीलिए 6 मल्टीप्लाइड में 25 फी घंटा यानी कि 150 रुपये का ये खर्चा होगा। ओवरहेड्स है और ओवरहेड जो है वो लिखा हुआ है ₹20 पर लेबर आर और ₹120 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब 20 पर आर लिखा हुआ है और 120 अगर टोटल लिखा हुआ है तो बिल्कुल सही है। लेबर के 6 घंटे है ना, 6 × 20 जो है वो भी 120 ही बनता है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से कुछ यहाँ पर ये वैल्यूज आ रही होंगी। अच्छा, उसके बाद फिर अगली चीज लिखी हुई है स्टेरिक डाल के, इंक्लूड्स बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स ऑफ ₹200,000 यानी कि जो ये 120 है ना, ये जो ओवरहेड्स हैं इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों शामिल है, ठीक है ना। अगर सिर्फ फिक्स्ड होते तो ये नीचे वाली बात जो लिखी हुई है इंक्लूड्स बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स इस तरह से नहीं लिखता। इसके लिखने का ही मतलब ये होगा कि इसमें फिक्स वेरिएबल दोनों शामिल है। तभी इसने वजाहत कर दी, मजीद क्लियर कर दिया कि भाई देखो ऊपर वाला जो अमाउंट बता रहा हूँ उसमें फिक्स भी शामिल है और वेरिएबल भी होगा क्योंकि उसने दिया पर आर के हिसाब से। तो पहली जो रिफ्लेक्शन आती है वो ये कि ये वेरिएबल है, लेकिन फिर इसने क्लियर किया कि नहीं इसमें फिक्स भी है। तो इसका मतलब इसमें फिक्स और वेरिएबल दोनों के दोनों हिस्से शामिल होंगे। फिर सवाल में लिखा हुआ सेल्स एंड प्रोडक्शन डेटा, ठीक है जी। बजटेड बजटेड सेलिंग प्राइस दी हुई है, अच्छा जी बजटेड सेलिंग प्राइस दी हुई है 700। उसके बाद अगली चीज दी हुई है आपके पास बजटेड सेल्स के यूनिट्स यानी कि कंपनी ने क्या सोचा था कितने यूनिट्स बिकेंगे, 4000। उसके बाद फिर एक्चुअल सेल्स के यूनिट्स दिए हुए हैं, एक्चुअल सेल्स के यूनिट्स जाहिर है डिफरेंट हो सकते हैं, जो आपने सोचा हो उतने यूनिट्स बिके जरूरी नहीं है। और फिर एक्चुअल प्रोडक्शन भी दी हुई है, हकीकतन कितने यूनिट्स की प्रोडक्शन हुई वो भी बताया हुआ है, वो दिया हुआ है 5400, ठीक है जी। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, दी हुई है। इसके बाद लिखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में, देर वॉज नो इन्वेंटरी एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ, ठीक है। नंबर टू में लिखता है 50,000 किलोग्राम्स ऑफ डायरेक्ट मटेरियल वॉज परचेस्ड इन बल्क इन ऑर्डर टू अवेल डिस्काउंट ऑफ ₹150,000। कहता है कि कंपनी ने जो है ना वो 50,000 किलो रॉ मटेरियल खरीदा था और उस 50,000 किलो रॉ मटेरियल खरीदने की वजह से कंपनी को जो है वो 1.5 लाख का डिस्काउंट मिला, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो एक चलें पहले गो थ्रू कर लेते हैं। 3 में लिखा हुआ है एक्चुअल मटेरियल लॉस वॉज 10% एज अगेंस्ट दी बजटेड लॉस ऑफ 6%। बजट में आपने सोचा था कि 6% मटीरियल ज़ाया होगा, हकीकतन नुकसान या लॉसेस 10% है।
फोर में लिखा हुआ है वर्कर्स वेजेस वेर इंक्रीज बाय 10% इफेक्टिव फ्रॉम 1 अगस्त 2022 ड्यू टू प्रिवेलिंग हाई इन्फ्लेशन. दिस इंक्रीज द वर्कर्स एफिशिएंसी बाय 5% एज कम्पेयर टू द बजट. वर्कर की जो सैलरी है वो 10% से बढ़ा दी गई थी और इसकी वजह से वो 5% ज़्यादा एफिशिएंट है, एफिशिएंसी से काम कर रहे थे. 5 में लिखा हुआ है एक्चुअल ओवरहेड्स बोथ फिक्स एंड वेरिएबल अमाउंटेड टू 720,000, फिक्स ओवरहेड्स वेर ओवर एब्जॉर्ब बाई ₹30,000. ठीक है जी, ये सारी डिटेल्स दी हुई है. चले पार्ट ए देखते हैं. पार्ट ए में लिखा हुआ है कंप्यूट दी बजटेड प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2022 यूजिंग स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग. यानी कि आपने बजटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और आपने मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना है. तो पहली बात ये क्लियर रहे कि पार्ट ए के हिसाब से हमें बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और हमने जो सिस्टम यूज करना है वो है मार्जिनल कॉस्टिंग का सिस्टम. ठीक है जी, मार्जिनल कॉस्टिंग का सिस्टम. अच्छा, मार्जिनल कॉस्टिंग के सिस्टम के क्या होता है, सेल्स है, सेल्स के बाद हम लेस कर देते हैं सारी वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट जो है, आप फॉर्मेट देख लीजिएगा, मैंने आप लोगों को पिछले जो मार्जिन कॉस्टिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें फॉर्मेट बताया है. फिर आ जाती है हमारी उसमें ओपनिंग इन्वेंट्री. अच्छा, सवाल में लिखा हुआ है देर वॉज नो ओपनिंग इन्वेंट्री एट द बिगनिंग, तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी. उसमें से क्लोजिंग स्टॉक अगर होगा तो वो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो माइनस हो जाएगा. अच्छा, उसके बाद फिर जो जो भी हमारे पास अगर कोई वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस है जो कि सवाल में नजर नहीं आ रहे वो होते तो वो भी आते अगर आप इसका पूरा फॉर्मेट देखते हो. फिर सेल्स रेवेन्यू में से जब आप ये सारी चीज़ें माइनस कर दोगे नेट कर कर तो आपके पास जो है वो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगी. कंट्रीब्यूशन में से आप लेस कर दोगे फिक्स कॉस्ट की वैल्यू, फिक्स कॉस्ट की वैल्यू लेस कर दोगे तो आपके पास प्रॉफिट फॉर द टाइम पीरियड या प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा. ठीक है जी. अच्छा, अब सेल्स रेवेन्यू की बात करते हैं. तो सेल्स रेवेन्यू एज पर बजट आपने सोचा था कि एक चीज़ 700 की बेचोगे और एज पर बजट आपने सोचा था कि आप 4,000 चीज़ें बेचोगे तो 2.8 बिलियन का सेल्स रेवेन्यू है. इसमें तो कोई भी मसला है ही नहीं ना, सीधा सीधा सेलिंग प्राइस इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स. अब हम आ जाते हैं वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर. और हमने एज पर बजट कितने यूनिट्स की प्रोडक्शन सोची थी. एज पर बजट हमने टॉप पर एक वर्किंग करी कि कंपनी का जो नॉर्मल हालात है उसमें कंपनी जो है वो एक्सपेक्टेड है, बजटेड है, या कंपनी नॉर्मल कैपेसिटी पर ऑपरेट करती है और कंपनी 5,000 यूनिट्स बनाती है. अब हमें वेरिएबल कॉस्ट की एक वर्किंग करनी पड़ेगी. देखें, ये डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है 240, ये वेरिएबल है. डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है 150, ये भी वेरिएबल है. लेकिन जब हम ओवरहेड्स की बात करते हैं 120 के, तो इस 120 के ओवरहेड्स में सवाल में लिखा हुआ था कि फिक्स और वेरिएबल दोनों हिस्से शामिल हैं. हमें क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करना है तो मार्जिनल कॉस्टिंग में जब हम अपने पास सेल्स रेवेन्यू में से इन्वेंट्री की वैल्यू माइनस करते हैं तो मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लेक्चर्स में आपने ये पढ़ा होगा, आपने ये देखा होगा कि सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन की कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है. लिहाजा अगर 120 में कोई भी फिक्स्ड कॉस्ट शामिल है तो उसको हमें हटाना पड़ेगा. अब फिक्स्ड कॉस्ट कैसे हटेगी, देखें इसमें कितनी फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड होगी ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं. और हम अपने पास जो है ना वो सबसे पहले एक वर्किंग कर लेते हैं जिसको हम वर्किंग नंबर वन कहते हैं. और हम ये कहते हैं कि भाई हमारे पास टोटल ओवरहेड्स पर यूनिट जो दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं कितने, 120. ठीक है, टोटल ओवरहेड्स पर यूनिट 120 दिए हुए हैं ना, एक यूनिट के ये पर यूनिट वैल्यू है. इसमें फिक्स भी है, इसमें वेरिएबल भी है. इसमें से अगर हमें लेस करने फिक्स वाले तो हम ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट निकाल लेते हैं. देखिए ये बजटेड बजटेड ओवरहेड्स पर यूनिट है, बजटेड ओवरहेड्स पर यूनिट है तो इसमें वेरिएबल हिस्सा भी शामिल होगा और फिक्स भी शामिल होगा. और फिक्स जो होगा वो ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट से आया होगा. ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट कैसे कैलकुलेट हुआ होगा, बजटेड ओवरहेड्स, ठीक है ना, बजटेड ओवरहेड्स यहाँ कर लेते हैं. बजटेड ओवरहेड्स कितने हैं, बजटेड फिक्स ओवरहेड्स हैं 200,000 और बजटेड जो प्रोडक्शन है वो कितनी है, बजटेड प्रोडक्शन या नॉर्मल कैपेसिटी है 5,000. आम हालात में मैं 5,000 यूनिट्स बनाता हूँ, मेरा बजट है, मेरी सोच है, मेरी समझ है, मेरी नॉर्मल प्रोडक्शन 5,000 है, लिहाजा मेरा पर यूनिट ओ ए आर जो है वो 40 आता है जो कि इसमें इंक्लूडेड है. ये फिक्स्ड वाला हिस्सा इसमें इंक्लूडेड है. ये अगर हम निकाल देते हैं, ये अगर हम निकाल देते हैं
ठीक है ना, मैं इसकी वर्किंग यहीं कर लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर ही रहेगा। 2 लाख डिवाइडेड बाई 5,000, ठीक है। ओ आर पर यूनिट कैसे आता है? ओवर हेड्स एब्जॉर्प्शन रेट के चैप्टर पर दोबारा से जाओ आप। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स, यानी कि 40 रुपये जो है वो फिक्स ओवरहेड्स के 120 में शामिल है। अब बचे हुए 80 क्या है, ये हमारे पास जो है ना वो वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट है, और ये सारी वैल्यूज एज पर बजट आ रही हैं। तो हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट आ गए, ठीक है ना, वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट आ गए। अब हम अपनी वर्किंग नंबर 2 कर लेते हैं, यानी कि हम कैलकुलेट कर लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में अब क्या क्या आएगा? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में जो है वो आपके पास 240 रुपये डायरेक्ट मटेरियल के आ जाएंगे, वो वेरिएबल है। आपके पास 150 रुपीज़ लेबर के आ जाएंगे, वो वेरिएबल है। और आपके पास 80 रुपीज़ जो है वो वेरिएबल ओवरहेड्स के आ जाएंगे, वो भी वेरिएबल है। लिहाजा ये बन जाएगा 240 प्लस 150 प्लस 80, 240 प्लस 150 प्लस 80 इज 470। तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आपने कितने यूनिट्स बनाए? आपने एज पर बजट 5,000 यूनिट्स बनाए, और हर यूनिट की जो वेरिएबल वाली कॉस्ट है वो 470 है। तो ये 2,350,000 आया। इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं। अब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे आएगी? देखें, आपने प्रोड्यूस करे 5,000 यूनिट्स, आपने प्रोड्यूस करे 5,000 यूनिट्स। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं है। ओपनिंग स्टॉक होता तो कुछ डिफरेंट वर्किंग्स होती। यहाँ तो सिंपल से आपने 5,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करे, आपने 5,000 यूनिट्स बनाए, आपने 5,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करे। जो 5,000 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस करे, बनाए, मैन्युफैक्चर करे, उसमें से बजटेड सेल्स 4,000 यूनिट्स, 4,000 आपने बेच दिए। तो 5,000 बनाए और 4,000 बेच दिए, तो बच कितने गए? 1,000 बच गए। उन 1,000 की 470 रुपये के हिसाब से 470,000 की टोटल वैल्यू बन जाती है, ठीक है जी। टोटल वैल्यू जो है वो 470,000 बन जाती है। तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से हम क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे, जैसे कि मार्जिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का फॉर्मेट है, 1,880,000 का अमाउंट आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए हम सेल्स रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल जो कॉस्ट है उसको माइनस करते हैं, 920,000। अच्छा, ये याद रहे कि वेरिएबल वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं तो वो भी माइनस हो रहे थे, लेकिन इस सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये कंट्रीब्यूशन आ गई आपकी 9,20,000 की। 9,20,000 रुपये की कंट्रीब्यूशन में से आप बजट फिक्स कॉस्ट माइनस करो। एज पर बजट आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो 2 लाख रुपये थी, मेंशन है ये, ठीक है जी। तो आपका जो प्रॉफिट है मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से 7,20,000, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। देखिए, इस वीडियो से पहले आपके पास मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और ओवरहेड्स और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तीनों टॉपिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, तो आप ये क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हैं। हम अपने मार्जिनल कॉस्टिंग में सेल्स रेवेन्यू में से सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, कंट्रीब्यूशन पर आते हैं, फिर सारी फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं, तो हम अपने प्रॉफिट पर आ जाते हैं। तो ये आपका जो है ना वो प्रॉफिट बन गया, ठीक है जी। ये हमारा पार्ट ए हो गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं पार्ट बी पर। पार्ट बी में लिखा हुआ है कंप्यूट दी फॉलोइंग वेरियंसेस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2022, और कुछ वेरियंसेस आपको कैलकुलेट करने हैं। लेकिन उन वेरियंसेस को कैलकुलेट करने से पहले हमें ये देखना होगा कि इनका क्या इम्पैक्ट होगा। तो हमारे पास जो है ना, सबसे पहली जो ट्रांजेक्शन है, सबसे पहली जो बात लिखी हुई है उसमें लिखा हुआ है देर वॉज नो इन्वेंट्री एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ, ठीक है, इसके कोई मसला नहीं है। 2 में लिखा हुआ है 50,000 kg ऑफ डायरेक्ट मटीरियल वॉज परचेज इन बल्क इन ऑर्डर टू अवेल डिस्काउंट ऑफ ₹150,000, यानी कि हमने जो मटेरियल परचेज किया उसमें से हमने 50,000 किलो का मटेरियल जो है वो बल्क में परचेज किया, और उसके बल्क में परचेज करने की वजह से मुझे जो है ना वो ₹150,000 का डिस्काउंट मिला। इसका मतलब आम हालात में डिस्काउंट नहीं मिलता होगा, और जब डिस्काउंट नहीं मिलता था तो एज पर स्टैंडर्ड्स मुझे 1 किलो कितने का पड़ता था? 30 का, 1 किलो 30 का पड़ता था, ठीक है, पहली बात। अब मैंने जो 50,000 kg मटेरियल परचेज करा उसमें मुझे जो है वो 150,000 का डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट मिलने की वजह से मेरी जो एक्चुअल मटेरियल की प्राइस होगी वो कंपैरेटिवली कम हो गई होगी, ठीक है। अच्छा, दूसरे मटेरियल से रेलेवेंट जो क्लॉज है वो ये है कि एक्चुअल मटेरियल लॉस वॉज 10% एज अगेंस्ट दी बजटेड लॉस ऑफ 6%, यानी कि हकीकतन जो मटेरियल का लॉस हुआ, यानी कि जो मटेरियल ज़ाया हो रहा था वो 10% था एज अगेंस्ट दी बजटेड लॉस ऑफ 6%, लेकिन एज पर बजट जो आपका लॉस था, जो आपने सोचा था, वो 6% था, ठीक है जी।
अच्छा, अब हम मटेरियल से रेलेवेंट कुछ वर्किंग करते हैं। देखिए, आपके पास एज पर स्टैंडर्ड्स लिखा हुआ था कि 8 kg जो मटेरियल है ना, उसका इस्तेमाल हो रहा होगा एक यूनिट बनाने के लिए। 1 किलो 30 रुपये का आएगा और टोटल खर्चा 240 होगा। अच्छा, ये जो 8 kg आपके पास लिखा हुआ होता है ना, इसमें अगर कोई लॉस होना होता है ना, वो भी शामिल होता है। मिसाल के तौर पर आपने ये सोचा था कि मैं जो है ना वो परचेज कर कितना करूंगा, मैं परचेज करूंगा 8 kg, 8 kg में परचेज करूंगा, उसमें से जो है ना वो लॉस हो जाएगा, नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, ठीक है। और वो नॉर्मल लॉस कितना होगा, लिखा हुआ है कि बजट के हिसाब से नॉर्मल लॉस होना था इसका 6%। तो 6% अगर ले लेते हैं, 8 kg का 0.48 बनता है, यानी कि जो नेट क्वांटिटी फिनिश गुड्स में इस्तेमाल होनी चाहिए, नेट क्वांटिटी जो फिनिश गुड्स में इस्तेमाल हुई है वो ये, अगर मैं इसको माइनस करूँ, इसको थोड़ा सा कॉमा में लेकर जाते हैं, 7.52। देखिए, आपने 8 kg खरीदा, आपने पैसे 8 kg के दिए, आपने 8 kg खरीद लिया, फिर क्या हुआ? क्लॉज नंबर 3 में लिखा हुआ है कि भाई बजट में हमने ये अज्यूम किया था कि जितना भी खरीदते हैं ना, उसका 6% ज़ाया हो जाता है। तो अगर 6% ज़ाया होना है, तो 8 का 6% यानी कि 0.48 ज़ाया हो गया, और आपके पास नेट जो है ना वो 7.52 बच गया, जो आपने अपने प्रोडक्ट में इस्तेमाल करा, आपके फिनिश गुड्स में इस्तेमाल हुआ, आपके फिनिश गुड्स में लगा हुआ था, आपके फिनिश गुड्स में नज़र आ रहा था। अब लिखा हुआ ये है कि एक्चुअल मटीरियल लॉस वॉज 10%, यानी कि अब हुआ ये कि यार जो आपका लॉस हो रहा है ना, आपने ये देखा कि मेरा मटेरियल जो है उसका लॉस जो है ना वो 10% है, 10% का लॉस हो रहा है, ठीक है ना। अब आपने सोचा नहीं था, आपने सोचा नहीं था कि 10% का लॉस होगा, लेकिन आपने सोचा था 6% का लॉस होगा, लेकिन अब 10% का लॉस हो रहा है। अब देखो, अगर 10% का लॉस हो रहा है तो क्या होगा? देखिए, आपके फिनिश गुड्स में तो वही लगेगा ना, ठीक है ना, 7.52, 7.52 ही लगेगा, लेकिन अगर ज़ाया 10% होना है तो मैं खरीदूंगा मजीद ज़्यादा, ठीक है। अब जरा इस बात को समझिएगा, नेट क्वांटिटी का क्या मतलब होता है, मेरे फिनिश गुड्स में कितना लगा हुआ है, ठीक है, मेरे फिनिश गुड में कितना लगा हुआ है, ठीक है ना। मेरे फिनिश गुड में 7.52 kg लगा हुआ है फिनिश गुड्स को बनाने के लिए। मिसाल के तौर पर 8 किलो लकड़ी खरीदता हूँ, 8 किलो लकड़ी में से 6 किलो लकड़ी जो है कार्विंग में ज़ाया हो जाती है, और जो फाइनल टेबल बनता है या कुर्सी बनती है, उसको जब मैं वजन करता हूँ, तो उसमें 7.52 kg लकड़ी लगी हुई होती है। अब जब मुझे वही टेबल बनाना है, वही टेबल बनाना है, तो इसका मतलब जब टेबल बन जाएगा तो उसमें तो 7.52 kg ही लकड़ी होनी चाहिए, या टेबल बन जाएगा या कुर्सी बन जाएगी तो उसमें इतनी ही लकड़ी होनी चाहिए, क्योंकि उसका डिज़ाइन, शेप्स एक्सेट्रा सारी चीज़ें फिनिश गुड्स की सेम होंगी। लेकिन मुझे पता है कि मैं जितना खरीदता हूँ, अब उसका 10% ज़ाया होता है, तो मैं 8 किलो तो नहीं खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं 8 किलो खरीदूंगा, 10% ज़ाया होगा, तो बचेगा तो 7.52 तो नहीं बचेगा। तो अब हम कितना खरीदेंगे ये मालूम करने के लिए आप क्या करते हो, आप ये बोलते हो कि यार ये 7.52 आफ्टर 10% लॉस है, ये 7.52 जो है वो आफ्टर 10% लॉस है, 10% ज़ाया हो जाने के बाद की क्वांटिटी है। एग्रीड? ये 7.52 जो है वो 10% ज़ाया हो जाने के बाद की क्वांटिटी है, ये 7.52 10% ज़ाया हो जाने के बाद की क्वांटिटी है, यानी कि 90 हिस्से हैं। तो आपने 7.52 को 90 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, और 100 से मल्टीप्लाई किया, इसको ग्रॉस अप किया। अब आपको 8.36 kg खरीदना पड़ेगा एक यूनिट बनाने के लिए, क्योंकि 8.36 kg का 10% जो है वो ज़ाया हो जाया करेगा, और अगर आप 8.36 में से 0.84 माइनस करोगे ना, तो भी 7.52 आएगा। 8.36 का आपने खरीदा, 8.36 का 10% ज़ाया हो गया, और बचने वाला जो अमाउंट है वो 7.52 ही है। बात समझ रहे हैं आप? देखिए, मैं आपको एक्सटेंडेड डेसिमल प्लेसेस तक अगर ले जाऊं तो ये कहानी हो रही है, सही है। इसको ज़रा बड़े गौर से टाइम लगाकर समझिएगा, ये एक वो एरिया है कि जिसमें बच्चे गलती कर देते हैं। देखिए, पहले आप 8 kg अगर खरीदते थे, 6% ज़ाया होता था, 7.52 बच जाता था। अब आपके फिनिश गुड्स में 7.52 ही आपको चाहिए, क्योंकि आप प्रोडक्ट पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो। आपके फिनिश गुड्स अगर टेबल है, चेयर है, कोई भी चीज़ है, उस पर 7.52 लगने नेट नज़र आने चाहिए, लॉसेस के बाद,
जो मटेरियल्स आया उन है उसके बाद। लेकिन अगर लॉसेस अब 10% है तो आपको परचेज ज़्यादा करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि आप जितना खरीदोगे उसका 10% ज़ाया हो जाएगा और आपको पता है कि एंड में इतना बचना चाहिए। तो अब आप हर यूनिट, हर फिनिश गुड का यूनिट बनाने के लिए 8.3556 kg खरीदोगे। अच्छा, अब एक्चुअली मटेरियल यूज़ कितना हुआ होगा? देखें, आपके डेटा के हिसाब से एक्चुअल प्रोडक्शन लिखी हुई है 5,400, यानी कि आपने 5,400 यूनिट्स बनाए होंगे, तो एक्चुअल मटेरियल यूजेज जो होगा ना, एक यूनिट पर 7.5, सॉरी, एक यूनिट पर एक यूनिट पर 8.3556 इस्तेमाल होगा, और मैं बनाऊंगा 5,400 यूनिट्स, तो 5,400 यूनिट्स बनाने के लिए 45,120 किलोग्राम्स, 45,120 kgs, 45,120 kgs मटेरियल इस्तेमाल हो रहा होगा। 45,120 kg मटेरियल टोटल इस्तेमाल हो रहा होगा 5,400 यूनिट्स बनाने के लिए। यूजेज का मतलब है इस्तेमाल कितना हो रहा होगा। मैं प्रोसेस में 45,120 डालूंगा, 45,120 का 10% ज़ाया हो जाएगा, 10% जब ज़ाया हो जाएगा तो जो मेरे फिनिश गुड्स होंगे उसमें कितना लगा हुआ होगा, 40608 टोटल लगा हुआ होगा, और एक एक यूनिट की नेट क्वांटिटी 7.52, तो देखें यहाँ पे भी 5,400 से ये मैच करता। बहरहाल, मेरा इस्तेमाल या मेरा यूजेज जो होगा, मेरा इस्तेमाल या मेरा जो यूजेज होगा वो 5,400 मल्टीप्लाइड बाई 8.3556 होगा। इतना क्वांटिटी मुझे जो है वो इस्तेमाल करना होगा। अगली चीज पर आते हैं, पॉइंट नंबर टू में एक और बात लिखी हुई है, 50,000 kg डायरेक्ट मटीरियल वॉज परचेस्ड इन बल्क इन ऑर्डर टू अवेल द डिस्काउंट ऑफ ₹150,000, ठीक है ना। अब देखें, ये इसकी प्राइस नहीं है, ऐसा नहीं लिखा कि 50,000 किलो 1.5 लाख रुपए में मेरा है, बल्कि ये लिखा है कि हमने 50,000 किलो मटेरियल बल्क में परचेज करा। बल्क में परचेज करने की वजह से मुझे 1.5 लाख का डिस्काउंट मिला। अच्छा, एज पर बजट मैंने ये सोचा था कि 1 किलो कितने का आएगा, एज पर बजट मैंने सोचा था कि 1 किलो जो है ना वो 30 का आएगा, ठीक है ना। देखिए, एज पर अब इसकी भी दो वर्किंग्स हैं, ये तो हमने एक जो है वो कह लेते हैं ये वर्किंग नंबर 3 है, ठीक है। अब वर्किंग नंबर 4 पर आते हैं, देखिए अब इसमें भी दो बातें हैं ना, इसमें भी दो चीजें हैं। देखिए, एज पर बजट 1 किलो कितने का मिलना चाहिए था, 1 किलो ₹30 का मिलना चाहिए था। एज पर बजट 1 किलो कितने का मिलना चाहिए था, 1 किलो ₹30 का मिलना चाहिए था। तो अगर कोई 50,000 किलो खरीदता है, तो अगर कोई 50,000 किलो खरीदता है तो उसको 50,000 किलो जो है ना वो 1.5 मिलियन के पड़ने चाहिए एज पर बजट। एज पर बजट 50,000 किलो जो है वो 30 रुपए के हिसाब से 1.5 मिलियन के पड़ने चाहिए, लेकिन क्योंकि बल्क परचेजिंग हुई थी तो डिस्काउंट मिला, और डिस्काउंट कितना मिला, डिस्काउंट मिल गया 1.5 लाख का। जब डिस्काउंट 1.5 लाख का मिल गया तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एक्चुअल कॉस्ट आपको पड़ी 50,000 किलो की, वो पड़ी 1,350,000, यानी कि 1 किलो कितने का पड़ा, 1,350,000 डिवाइडेड बाय 50,000, ठीक है। ये एक सॉर्ट ऑफ वर्किंग है जिससे आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि 1 किलो कितने का पड़ा। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, एज पर बजट कोई 50,000 किलो खरीदे तो 30 रुपए के हिसाब से 1.5 मिलियन का पड़ना चाहिए। इस बंदे को क्योंकि इसने 50,000 किलो एक साथ खरीद लिया तो 1.5 लाख रुपए का डिस्काउंट मिला, 1.5 लाख रुपए का डिस्काउंट मिला, तो इसको ये 50,000 किलो 1,350,000 का पड़ा। इसका मतलब 1 किलो कितने का पड़ा, 1,350,000 डिवाइडेड बाय 50,000। दूसरा बड़ा आसान तरीका करूँ, दूसरा आसान तरीका एक्चुअल जो मटेरियल प्राइस पर केजी का तरीका है ना, वो ये है कि जनाब नॉर्मली आपको 30 का पड़ रहा था, माइनस आपने 1.5 लाख का डिस्काउंट मिला 50,000 किलो पर, यानी कि 1 किलो पर आपको 3 का डिस्काउंट मिला, तो आपको 1 किलो 27 का पड़ा। ऐसे भी कर सकते हो, एक ही बात है, ठीक है जी। अच्छा, तो ये कुछ मटेरियल से रिलेवेंट बातें हो गई। आगे बढ़ते हैं, वर्किंग नंबर 5 करते हैं। अच्छा जी, वर्किंग नंबर 5 में लिखा हुआ है, मटेरियल को तो हमने देख लिया, ये भी देख लिया, 1, 2, 3, 4 में, वर्कर्स वेजेस वेर इंक्रीज बाई 10% इफेक्टिव फ्रॉम 1 अगस्त 2022 ड्यू टू प्रिवेलिंग हाई इन्फ्लेशन। दिस इंक्रीज वर्कर्स एफिशिएंसी का, इस इंक्रीज की वजह से वर्कर जो है वो 5% ज़्यादा एफिशिएंट हो गया, यानी कि जो लेबर, एक्चुअल लेबर रेट है ना, एक्चुअल लेबर रेट पर आवर,
मैंने बजट में क्या सोचा था, मैंने बजट में सोचा था कि लेबर को 1 घंटे के कितने दूंगा, लेबर को 1 घंटे के 25 दूंगा। मैंने बजट में सोचा था कि लेबर में 1 घंटे के लेबर को मैं 25 दूंगा, लेकिन वाकई में मैंने कितने दिए हैं, मैंने 10% से उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी हैं। तो या तो आप 25 को 1.1 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 25 में 25 का 10% ऐड कर दो। या तो आप 25 को बढ़ाने के लिए 10% से 1.1 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आपको 25 को 10% से बढ़ाना है तो 25 + 25 का 10% कर दो। यानी कि एक्चुअली आपने पर आवर जो पैसे दिए हैं ना, वो दिए हैं 27.5। अच्छा, एक्चुअल लेबर आवर्स पर यूनिट। अच्छा, मैंने एज पर बजट क्या सोचा था, मैंने एज पर बजट सोचा था कि लेबर 1 यूनिट जो है ना वो 6 घंटे में बनाएगा। एज पर बजट मैंने सोचा था कि लेबर 1 यूनिट जो है ना वो 6 घंटे में बनाएगा, लेकिन सवाल में लिखा हुआ है कि जब मैंने उनकी तनख्वाह बढ़ाई तो वो 5% एफिशिएंट हो गए। 5% एफिशिएंट का मतलब ये हो गया कि अब वो 6 घंटे में एक चीज़ नहीं बनाते बल्कि 6 का 95% ले लो। अब वो 6 घंटे में एक चीज़ नहीं बनाते बल्कि 6 का 95% ले लो, यानी कि एक चीज़ वो 5.70 आवर्स में बनाते हैं। या फिर आप अगेन 6 में से 6 का 5% माइनस कर दो। आई रिपीट, 6 का 95% ले लो या 6 में से 6 का 5% माइनस कर दो, तो अब एक चीज़ वो 5.7 आवर्स में प्रोड्यूस करते हैं या बनाते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके पास जो है ना वो एक्चुअल लेबर आवर्स पर यूनिट आ गए, जो लेबर ने हकीकतन आवर्स दिए। अच्छा, अब एक और वर्किंग भी, चले हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब क्या लिखा हुआ है, एक्चुअल ओवरहेड्स बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल अमाउंटेड टू 720,000, फिक्स्ड ओवरहेड्स वेयर ओवर एब्जॉर्ब बाय 30,000। अब यहाँ पर ओवरहेड्स का चैप्टर अकाउंट फॉर हो रहा है, आपके पास ओवरहेड्स के चैप्टर की नॉलेज होनी चाहिए। वो बोलता है कि जो फिक्स और वेरिएबल ओवरहेड्स का टोटल था 7,20,000 था, और फिक्स ओवरहेड जो है ना वो 30,000 के ओवर एब्जॉर्ब थे। अच्छा, ओवर एब्जॉर्ब जो है वो कैसे आते हैं, अप्लाइड, पहले अप्लाइड देखते हैं। हमारे पास जो ओएआर आ रहा है, ओएआर पर यूनिट हमने 40 निकाला था, ठीक है ना, और एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाइड बाई 40 का ओएआर। ऐसे ही एब्जॉर्ब या अप्लाइड आता है, ओ ए आर पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल यूनिट्स, ओ ए आर पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल यूनिट्स, यानी कि 40 मल्टीप्लाइड बाई 5,400, 40 मल्टीप्लाइड बाई 5,400, ये आपका अप्लाइड है 2,16,000, और आपको, या इसको हम एब्जॉर्ब भी बोलते हैं। अब ये आप ओवरहेड्स के चैप्टर पर जा रहे हो। अच्छा, उसके बाद सवाल में लिखा हुआ है कि 30,000 का ओवर एब्जॉर्ब था, 30,000 का ओवर एब्जॉर्ब था, तो ओवर एब्जॉर्ब या ओवर अप्लाइड, ओवर एब्जॉर्ब या ओवर अप्लाइड, ओवर एब्जॉर्ब या ओवर अप्लाइड जो है ना वो 30,000 है। ओवर अप्लाइड तब होता है जब अप्लाइड एब्जॉर्ब ज्यादा हो और एक्चुअल कम हो। ओवर अप्लाइड ओवर एब्जॉर्ब तब होता है जब अप्लाइड या एब्जॉर्ब ज्यादा हो और एक्चुअल कम हो। ये हमने ओवरहेड्स के चैप्टर में पढ़ा था। तो मेरे जो एक्चुअल ओवरहेड्स होंगे वो 2,16,000 माइनस 30,000, यानी कि 186,000 के एक्चुअल ओवरहेड्स होंगे। और अगर सवाल बोलता है कि एक्चुअल फिक्स्ड प्लस वेरिएबल दोनों ओवरहेड जो है वो 7,20,000 हैं, जैसा कि सवाल में लिखा हुआ है, तो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स कितने होंगे, 7,20,000 में फिक्स भी है वेरिएबल भी है, 7,20,000 में फिक्स भी है वेरिएबल भी है, 7,20,000 में फिक्स भी है वेरिएबल भी है। उसमें से अगर मैं एक्चुअल ओवरहेड्स फिक्स वाले निकाल दूं तो 534,000 क्या होगा, 534,000 वेरिएबल होगा। ठीक है जी, इन वर्किंग्स को बड़े अच्छे से देखिएगा। अब हम आ जाते हैं अपने वेरिएंसेस कैलकुलेट करने के लिए। पहला हमें कैलकुलेट करना है सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, और क्योंकि हम लोग कर रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग से वेरिएंसेस कैलकुलेट, तो सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस होगा। ठीक है, लॉजिकली हमने समझा है कि ये कैसे आता है, स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल यूनिट्स सोल्ड माइनस बजटेड यूनिट्स सोल्ड। ठीक है, इसकी लॉजिक हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के चैप्टर में पढ़ी थी। अच्छा, स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना होगा, देखिए ये हमारे पास बजटेड या स्टैंडर्ड पीएनएल है, इसमें कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, 920,000, और 920,000 कितने यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन आ रहा था, ये 920,000 आ रहा था 4,000 यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन, करेक्ट, क्योंकि बजट, एज पर बजट हमने 4,000 यूनिट बेचे थे और 9,20,000 की कंट्रीब्यूशन थी, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो थी वो 230 थी। 9,20,000 डिवाइडेड बाय 4,000। ये एक्सेल की फाइल जितने भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट आप लोग मुझसे मांग लीजिएगा ताकि आपको मसला ना हो, सारी चीज़ें लिंक्ड। अच्छा जी, अच्छा एक्चुअली कितने यूनिट्स बिके हैं, 5,200। सोचा क्या था कितने बिकेंगे, 4,000।
तो लॉजिकली भी हम ये वेरिएंस समझ चुके हैं, लेकिन अगर हम इसको लिंकिंग करें तो स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 230 माइनस एक्चुअल यूनिट्स, बिके कितने हैं 5,200 माइनस बजटेड यूनिट्स, सोचा क्या था कितने बिकेंगे, 4,000, बिके कितने हैं 5,200, सोचा क्या था कितने बिकेंगे 4,000, इसका मतलब 1,200 यूनिट ज्यादा बिके हैं, 1,200 यूनिट ज्यादा बिके हैं, और हर यूनिट पर स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन 230 की, तो कंपनी के लिए 276,000 का फायदा है। उसके बाद दूसरा है हमारे पास मटेरियल का प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस में हमने सीखा था एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स माइनस सॉरी मल्टीप्लाइड बाय, और ब्रैकेट में हम लिखते थे स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। ठीक है, इसकी भी पूरी लॉजिक हमने पढ़ी थी। एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स, यूनिट्स बनाने के लिए कुल मिलाकर कितनी क्वांटिटी जो है वो हमने परचेज करी है, एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स। अच्छा, यहाँ पर ये याद रहे कि मटेरियल के प्राइस वेरिएंस में जो क्वांटिटी आती है वो यूनिट्स परचेज की, जितना आपने खरीदा है उसकी क्वांटिटी आती है, क्योंकि जब आप कोई चीज़ खरीदते हो तो उसमें प्राइस वेरिएंस आ जाता है। जैसे आप कोई चीज़ खरीदते हो तो आप जो है वो सस्ते या महंगे में खरीदते हो, लिहाजा बुलेट नंबर टू के हिसाब से मैंने 50,000 किलो खरीदे हैं, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। मैंने क्या सोचा था 1 किलो कितने का आएगा, मैंने ये सोचा था कि 1 किलो मटेरियल 30 का आएगा, माइनस एक्चुअल रेट। एक्चुअली 1 किलो कितने का है, एक्चुअली 1 किलो जो मटेरियल है वो 27 का है। ठीक है, इसकी हमने वर्किंग करी थी, हमें 1.5 लाख का डिस्काउंट मिला था ना, इसलिए 30 के बजाय वो चीज़ मुझे 27 की पड़ी थी। स्टैंडर्ड रेट 30, एक्चुअल रेट 27। मैंने सोचा था कि 1 किलो कितने का आएगा, 30 आया, कितने का 27, यानी कि 3 रुपये सस्ता आया। हाँ, 3 रुपये सस्ता आया, कंपनी के लिए फायदा है, हाँ फायदा है, बेनिफिशियल है, हाँ बेनिफिशियल है। और 50,000 किलो खरीदे तो टोटल मुझे प्राइस वेरियंस कितना आया, 1.5 लाख। अब देखिए, जाहिर है डिस्काउंट से मैच करेगा, डिस्काउंट से इसलिए मैच करेगा क्योंकि भाई डिस्काउंट भी तो एक फेवरेबल प्राइस वेरिएंस है। आपको अगर डिस्काउंट मिल रहा है, आपने सोचा था कि एक चीज 30 की आएगी, आई 27 की, तो हर किलो पे आपने 3 रुपये कम पे किए और 50,000 किलो पे आपने 1.5 लाख रुपए कम पे किए, तो आपके लिए फायदा है, हाँ फायदा है, अच्छी बात है, हाँ अच्छी बात है, यही तो मटेरियल प्राइस वेरियंस है। फिर आता है मटीरियल यूजेज वेरियंस। मटीरियल यूजेज वेरियंस में हम क्या कहते थे, स्टैंडर्ड रेट, इसकी भी लॉजिक थी, ब्रैकेट में हम लिखते थे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स माइनस एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स। ठीक है जी। अच्छा, स्टैंडर्ड रेट, कितना है स्टैंडर्ड रेट, है 30, ठीक है ना। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स, मेरे हिसाब से जितने यूनिट्स बनाए गए हैं उस पर कितना मटेरियल लगना चाहिए था। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स मेरे हिसाब से, 1 यूनिट पर 8 किलो लगना चाहिए था, 1 यूनिट पर 8 किलो लगना चाहिए था, और आपने 5,400 यूनिट्स बनाए हैं, तो 8 × 5,400, 8 × 5,400, 8 × 5,400 यानी कि 43,200 किलो लगना चाहिए था। मटेरियल यूजेज वेरियंस, स्टैंडर्ड रेट बाहर, ब्रैकेट में स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स का मतलब है 8 × 5,400, 8 × 5,400 क्यों, क्योंकि मेरे हिसाब से 1 यूनिट पर 8 किलो, तो 5,400 यूनिट्स पर 8 × 5,400 यानी कि 8 × 5,400 अगर आप करोगे तो 43,200 किलो लगना चाहिए था, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स, एक्चुअली मटेरियल लगा कितना है, एक्चुअली मटेरियल इस्तेमाल कितना हुआ है, 45,120 किलोस। ये कैसे पता, ये हमने कैलकुलेट किया था। आप N5 और Q11 को मल्टीप्लाई करोगे ना, आपने सोचा था कि 1 यूनिट पर 8 किलो लगेगा और 5,400 यूनिट्स पर 8 × 5,400 यानी कि 43,200 किलोज लगना चाहिए था, लगा कितना है, लगा है 45,120 किलोज, ज्यादा लगा है, क्यों ज्यादा लगा है सर, याद है वो लॉसेस ज्यादा थे, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट, तो ये वेरियंस 57,600 का एडवर्स आ रहा है। ठीक है, आप इसको यूं भी समझ सकते हो, आपने सोचा था कि 1 यूनिट पर 8 किलो लगेगा, तो 5,400 यूनिट्स पर जो है वो लगना चाहिए 43,200, 1 यूनिट पर 8 किलो नहीं बल्कि 8.3556 किलो लगा है, और 5,400 यूनिट्स पर इसलिए जो है ना वो 45,120 लगा है, यानी कि कितना ज़्यादा लगा है भाई, 1920 ज़्यादा लगा है, मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड, रेट कितना है 30 का। देखिए सेम आंसर आ रहा है, ठीक है जी, दोनों का आंसर जो है वो परफेक्टली एक्यूरेटली सेम।
अच्छा जी, उसके बाद फिर कौन सा वेरिएंस है? उसके बाद है आपके पास लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस क्या होता था? एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। ठीक है जी, तो इसको यहाँ कर देते हैं। ठीक है, एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स। एक्चुअली जो यूनिट्स आपने बनाए वो कितने घंटे में बने हैं? एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स कैलकुलेट करें ना, तो हमारे हिसाब से लेबर जो है वो एफिशिएंट हो गया था, और हर यूनिट जो है ना वो एक्चुअल लेबर रेट, अच्छा एक्चुअल लेबर आवर्स पर यूनिट हमने कैलकुलेट किया था 5.7। तो एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स क्या होंगे? 5.7 आवर्स के हिसाब से लेबर ने जो है वो 5,400 यूनिट्स बनाए हैं, है ना, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। मैंने क्या सोचा था लेबर को 1 घंटे के कितने पैसे देने होंगे? मैंने सोचा था लेबर को 1 घंटे के 25 रुपए देने होंगे। माइनस एक्चुअल रेट, 1 घंटे के दिए कितने? 1 घंटे के मैंने लेबर को दिए हैं 27.5 रुपीज। ठीक है, तो इसका मतलब लेबर रेट वेरियंस 76,950 का एडवर्स है। इसको एक और तरह से समझते हैं। देखें, आपने 5,400 यूनिट्स बनाए, और 5,400 यूनिट्स जो आपने बनाए, आपके हिसाब से हर यूनिट जो है ना वो बनाने में लेबर ने 5.7 आवर्स दिए, ये वर्किंग हम कर चुके हैं, तो कितने हुए? 30,780 आवर्स। आपने क्या सोचा था? आपने ये सोचा था कि 1 घंटे के मुझे कितने पैसे देने होंगे? 25। लेकिन आपने 1 घंटे के दिए कितने पैसे हैं? आपने 1 घंटे के पैसे दिए हैं 27.5। क्यों सर? सवाल याद करो, वर्किंग्स याद करो, शुरू की वीडियो को रेफर करो, 10% ज़्यादा पैसे दिए थे, तो आपने हर घंटे पे 3 रुपये ज़्यादा दिए हैं, तो 30,780 घंटे पे 3 रुपये के हिसाब से आपने 76,950 ज़्यादा दिया होगा। इसके बाद अगला आ जाता है हमारा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस यानी कि लेबर कितना ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स माइनस एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स। स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट मैंने क्या सोचा था लेबर को 1 घंटे के कितने पैसे दूंगा? मैंने सोचा था लेबर को 1 घंटे के 25 रुपये दूंगा, इनटू ब्रैकेट में स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स। एज पर स्टैंडर्ड, एज पर स्टैंडर्ड, एज पर स्टैंडर्ड, एक यूनिट कितनी देर में बनना चाहिए? एज पर स्टैंडर्ड एक यूनिट 6 घंटे में बनना चाहिए। एज पर स्टैंडर्ड एक यूनिट 6 घंटे में बनना चाहिए, और 5,400 यूनिट्स, 6 × 5,400, 6 × 5,400, 5,400 यूनिट 6 × 5,400 घंटे में बन जाने चाहिए। एक्चुअल आवर्स, एक्चुअली एक यूनिट कितनी देर में बना है? 5.7 आवर्स में। तो 5.7 × 5,400, 5,400 यूनिट टोटल कितनी देर में बने? 5.7 × 5,400, तो ये कितना आ रहा है एफिशिएंसी वेरिएंस? 46,500 का फेवरेबल। दूसरा तरीका कैलकुलेट करने का, देखिए स्टैंडर्ड रेट कितना है। स्टैंडर्ड रेट ये है कि मैंने लेबर को सोचा था कि 1 घंटे के 25 रुपये दूंगा। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स, मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से एक यूनिट 6 घंटे में, मेरे हिसाब से एक यूनिट 6 घंटे में, तो 5,600 यूनिट्स, 6 × 5,400, 6 × 5,400, 6 × 5,400 यानी कि 32,400 घंटे में बन जाने चाहिए थे। बने कितनी देर में? बना एक यूनिट जो है वो 5.7 आवर्स में, बना एक यूनिट 5.7 आवर्स में, यानी कि 6 सोचा था 5.7 आवर्स में बना, बना एक यूनिट 5.7 आवर्स में, तो 5,400 यूनिट टोटल 5.7 × 5,400, 5.7 × 5,400 यानी कि 30,780 घंटे में बने। तो इसका मतलब बताओ ना, अच्छा है या बुरा है भाई? 32,400 घंटे का काम, 32,400 घंटे का काम अगर 30,780 घंटों में हो जाए तो बड़ा अच्छा है, 1,620 घंटे बचाए हैं लेबर ने, और 25 रुपए के हिसाब से ये मॉनेटरी वैल्यू में 40,500 बनते हैं। उसके बाद अगला वेरियंस है फिक्स ओवरहेड्स का एक्सपेंडिचर वेरियंस। फिक्स्ड ओवरहेड्स का एक्सपेंडिचर वेरियंस अगर आपको याद हो तो वो दो चीजों का डिफरेंस होता है, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स और आपके एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स। बड़ा सिंपल सा ये वेरियंस है। अच्छा जी, ए बजटेड फिक्स ओवरहेड्स, एज पर बजट, एज पर बजट मैंने क्या सोचा था कि फिक्स ओवरहेड्स का खर्चा कितना होगा? 2 लाख रुपए, है ना। एज पर बजट फिक्स ओवरहेड्स का खर्चा जो है वो 2 लाख रुपए था, यहाँ पर भी मेंशन है। एज पर बजट जो फिक्स ओवरहेड्स का खर्चा था वो 2 लाख रुपए था, एज पर बजट जो फिक्स ओवरहेड्स का खर्चा था वो 2 लाख रुपए था। एक्चुअली फिक्स ओवरहेड्स का खर्चा कितना है? एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स का खर्चा 186,000 है। एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स का खर्चा 186,000 है, तो इसका मतलब जो मैंने सोचा था उससे 14,000 रुपये कम है, इसलिए फेवरेबल है। फिर आ जाता है वेरिएबल ओवरहेड्स का
सा वेरियंस? एक्सपेंडिचर वेरियंस और वेरिएबल ओवरहेड्स का एक्सपेंडिचर वेरियंस जो है ना, वेरिएबल ओवरहेड्स का एक्सपेंडिचर वेरियंस जो है वो कैलकुलेट हम करते थे एज एक्चुअल आवर्स, अरे भाई, फॉर एक्चुअल यूनिट्स, और ब्रैकेट में आ जाता था हमारे पास स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, ठीक है जी। तो एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स यानी कि एक्चुअली एक्चुअली मैंने 5400 यूनिट्स बनाए हैं, और ये यूनिट्स 5400 इंटू 5.7 यानी कि ये बने हैं तकरीबन 30,780 आवर्स में, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। अच्छा, अब स्टैंडर्ड रेट कैसे आए? स्टैंडर्ड रेट की ज़रा वर्किंग कर लेते हैं। देखिए, हमारे हिसाब से एज पर स्टैंडर्ड्स जो आपका वेरिएबल ओवरहेड्स का पर आवर रेट था ना, वो कैसे आएगा? अल्लाह भला करे, ये हमारे पास स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट 80 आ रहे थे, और एक यूनिट 6 घंटे में बन रहा था, ठीक है ना। एज पर स्टैंडर्ड्स एक यूनिट में 80 रुपये के वेरिएबल ओवरहेड्स शामिल थे, और एज पर स्टैंडर्ड एक यूनिट 6 घंटे में बन रहा था, यानी कि वेरिएबल ओवरहेड्स पर आवर रेट जो है वो 13.33 है। एक्चुअल रिजल्ट्स के हिसाब से मेरे जो वेरिएबल ओवरहेड्स है वो 534,000 है टोटल, और 534,000 जो है वो कितने घंटे के हैं? 5400 यूनिट्स बनाए हैं, और हर यूनिट 5.7 आवर्स में बना है। मैं लिंक ही कर देता हूँ, हमने 5400 यूनिट्स बनाए हैं, और एक यूनिट जो है ना वो 5.7 आवर्स में बना है, ठीक है। तो 534,000 टोटल ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स की अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आवर्स। टोटल नंबर ऑफ आवर्स कैसे आ गए? 5.7 आवर्स पर यूनिट है, मल्टीप्लाई बाय 5400 टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है, तो पर आवर रेट जो है वो 17 का आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम लिखेंगे स्टैंडर्ड रेट। मैंने ये सोचा था कि 1 घंटे के वेरिएबल ओवरहेड 13.33 होंगे माइनस एक्चुअल रेट, एक्चुअली 1 घंटे के ओवरहेड जो है ना वो 417 है। तो 1,236,600 का जो है ये आपके पास एडवर्स आ रहा है। एडवर्स क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने पर आर रेट सोचा था 13.33, लेकिन पर आर रेट आया कितना है? 17। लिहाजा हर घंटे पे आप ज़्यादा पैसे पे कर रहे हो, ठीक है। फिर फाइनली आखिरी वेरियंस है वेरिएबल ओवरहेड्स का एफिशिएंसी वेरियंस। वेरिएबल ओवरहेड्स का एफिशिएंसी वेरियंस कैसे आता है? स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स माइनस एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स। अच्छा, यहाँ पर मैं एक वर्किंग और भी ऐड कर देता हूँ, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स और एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स। अच्छा, ऊपर से कुछ वैल्यूज कॉपी कर लेता हूँ। एक्चुअल यूनिट्स रिड्यूस्ड, ठीक है ना, जो हमें ऊपर दिया हुआ था, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट और एक्चुअल आवर्स पर यूनिट, ठीक है। ऊपर हमारे पास लिखा हुआ था कि एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस, यानी कि एक्चुअली आपने जो है ना वो 5400 यूनिट्स बनाए होंगे, एक्चुअली आपने 5400 यूनिट्स बनाए होंगे। स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट एज पर स्टैंडर्ड्स एक यूनिट कितनी देर में बनना चाहिए? 6 घंटे में। एक्चुअल आवर्स पर यूनिट एज पर एक्चुअल रिजल्ट एक यूनिट कितनी देर में बनना चाहिए? एक यूनिट बनना चाहिए 5.7 आवर्स में, ठीक है। तो अगर कोई बोलते हैं ना स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स, तो आप बोलोगे यार एक्चुअली 5400 यूनिट्स बने, एज पर स्टैंडर्ड एक यूनिट 6 घंटे में, तो टोटल ये 32,400 आवर्स में सारे यूनिट्स बनने चाहिए थे। कोई बोलते हैं एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स, तो आप बोलोगे एक्चुअली 5400 यूनिट्स बने हैं, और एक्चुअली एक यूनिट 5.7 आवर्स में बना है, या लिहाजा ये सारे यूनिट्स जो है वो 30,780 आवर्स में बनने चाहिए थे। अब कोई आपसे वेरिएबल ओवरहेड्स का एफिशिएंसी वेरिएंस पूछता है, तो स्टैंडर्ड पर आर रेट कितना था? 13.33 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स, 32,400 घंटे का काम था, माइनस एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स, और ये काम 30,780 घंटों में बन, यानी कि फेवरेबल है। और कितना फेवरेबल है? 21,600 का, ठीक है जी। अब देखिए, ये सवाल मैंने पूरा आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, इसकी एक्सेल की फाइल भी मिल जाएगी। सवाल को अच्छे से करिएगा, आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। सवाल से पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और ओवरहेड्स की नॉलेज होनी चाहिए, और थोड़ी बहुत प्रोसेस की या लॉसेस की ट्रीटमेंट की भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो आप ये सवाल बड़े आराम से कर सकते हैं, ज़रूर करिएगा, बहुत अच्छा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, और आईकैप के आंसर से भी इसको ज़रूर टैली करिएगा।
आईकैप ने थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच यूज़ करी है और वो अप्रोच भी बिल्कुल सही है, और आप इसको ज़रूर ट्राई करें, और जहाँ क्वेरी हो फिर मुझसे पूछें, रुक रुक कर इसको जो है वो कंप्लीट करिएगा और एक एक चीज़ कॉपी करिएगा। थैंक यू।